मॉडल पेपर हल करवा रहा था, फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न नंबर 4 को मुझे हल करना है। प्रश्न नंबर 4 जो होता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात की जा रही है, इसमें है एक आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। उसके बाद में इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाघ की बीमाएँ याद कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आयत क्या होता है, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा। अगर इसको हम लंबाई इसका x मान लें तो ये x हुआ और ये हमारी चौड़ाई वाई होती है, ठीक। इनके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। इनका परिमाप जो होता है आयत का, परिमाप में मतलब चारों तरफ की लंबाई, ये पूरी लंबाई जोड़ ली जाए तो 2x है, तो x x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y, वाई भी 2 बार है, यहाँ से यहाँ तक वाई, यहाँ से यहाँ वाई, हम x 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई मिल जाएगा। अब इसमें दिया अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा कर दो जो है, तो 2 से भाग हो जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप 2 से भाग करने पर 2 से 2 क्रॉस आउट होगा, x प्लस वाई मिलेगा। अब सवाल हमारा कह रहा है, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला हमने माना कि हमारी ये लंबाई हो गई और ये आयताकार बाघ की चौड़ाई हो गई, लंबाई हमारी x हो गई। अब अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया आपका 36। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है जो लंबाई है तो हमारी लंबाई x है, चौड़ाई y है। प्रश्न कह रहा है कि जो हमारी चौड़ाई है वो मतलब लंबाई 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, ये 4 कम है, और ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर में दोनों बराबर होने चाहिए, ना कोई कम होना चाहिए और ना कोई ज़्यादा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 4 ही अधिक है तो 4 जोड़ देंगे, ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 से प्राप्त x का मान, समीकरण 1 में रखने पर हम लोग समीकरण 1 में उठा के रख देंगे, x जहां है x के जगह पे, ये x है, x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 36। अब y y जुड़ जाएगा तो 2y प्लस 4 इक्वल टू 36। अब ये क्या हो जाएगा, जब 36 होगा तो हम लोग 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 32 बचेगा, सोलह आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 16। तो हमारी जो आयताकार धान की लंबाई 16 है, वाई का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो 2 में रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखा जाएगा तो x बराबर हमको मिल जाएगा y की जगह पे बेटा 16 प्लस 4 20, x बराबर 20 मीटर जाएगी। जो हमारी लंबाई है वो 20 मीटर,
जो चौड़ाई है वो 16 मीटर, दोनों जोड़ेंगे 36 आ जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 पे है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 2 इक्वल टू 1 ए अपॉन बी, ए व बी सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि मतलब कोई ऐसा गुणांक नहीं है इसके अलावा को जो ए को भी भाग करे बी को। जैसे हमने ले लिया 5 13, तो 5 और 13 सहभाज्य है, क्योंकि कोई ऐसा अंक नहीं है कि जिसमें मतलब 5 को भी भाग कर दें और 13 को भी। तो इस प्रकार की संख्याएं जैसे 7 बटा 12, ये भी सहभाज्य है, इनको हम लोग सहभाज्य कहते हैं। मतलब एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। तो अब ए बटा बी अगर परमेय संख्या है तो ये भी परमेय हुई, ए बटा बी परमेय है, अतः अंडर रूट 2 भी परमेय हुई। अब अगर अंडर रूट हटेगा तो ये वर्ग हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि ये अंडर रूट 2 का पावर 2 इक्वल टू ए बाई बी का पावर हो जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर और अंडर रूट हट जाता है, ये ए स्क्वायर बटा हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इधर बटा है तो इधर ये हो जाएगा 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 2b², इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर बराबर 2b² है, मतलब जो 2 है वो ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, और अगर एक स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो ए का भी एक गुणनखंड होगा। पर मैं पहले चैप्टर में दिया हुआ है NCERT की बुक में, यूं जैसे मान लो कि 15 का गुणनखंड करते हैं 3 × 5 आओ, तो अगर शेषफल यहाँ 0 है ना, तो 3 क्या है इसका एक गुणनखंड है, 5 क्या है इसका एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये स्क्वायर बराबर 2b² है और शेषफल 0 है, तो 2 क्या है इसका एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर का एक गुणनखंड दो है, अतः ए का भी गुणनखंड 2 है, ए का भी गुणनखंड 2 होगा। अब एक चीज ये देखना है कि अगर ये स्क्वायर ये परमेय है, परमेय 1.1 के अनुसार दिया हुआ है, और जैसे देख पिचक भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास 25 है, 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। अब 25 का जो वर्गमूल है अगर ये के जगह पे 5 रखा जाए तो ये स्क्वायर का मान 25 आएगा। अब 25 से 5 से भाग किया जाए, जो b है भाजक आपका 5, उससे भाग किया जाए तो क्या आएगा 5। अब इसका वर्गमूल 25 का कितना है 5, अगर 5 को 5 से भाग किया जाएगा तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं, माना अब किससे भाग करना है, मतलब a का एक गुणनखंड क्या है 2 है। अब भागफल हमारा बदल रहा है तो हम b के जगह पे क्या लिखेंगे, c लिख लेते हैं, तब क्या हो जाएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे
दोनों ओर अगर हम वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू टू सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर दो दूनी चार सी का स्क्वायर। समीकरण दो लिख लेंगे, समीकरण एक व दो से ये देखिए ए स्क्वायर एल एच एस इक्वल है दोनों का, तो हमारा आर एच एस भी इक्वल होगा। ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर चार बी सी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं टू बी स्क्वायर बराबर चार सी स्क्वायर, दो से इधर भाग हो जाएगा चार बटा दो सी स्क्वायर, दो दुनी चार बी स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर मिल गया। मतलब ये कहें कि बी स्क्वायर का दो एक गुणनखंड है, इसी नियम से जो मैंने पहले बताया बी स्क्वायर का दो एक गुणनखंड है, अतः बी बी का भी दो एक गुणनखंड होगा। हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने माना था कि ए व बी साबाज है, मतलब इसका कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां क्या मिल रहा है कि ए का भी एक गुणनखंड दो है और बी का भी एक गुणनखंड दो है, ए का भी एक गुणनखंड दो है और बी का भी एक गुणनखंड दो है। मतलब जो हमने कल्पना किया था, जो हमने मानक माना था, वो क्या है, गलत सिद्ध हो रही है, क्योंकि यहां ये अभाज्य था साभाज, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं, लेकिन अब क्या है यहाँ ए का भी दो गुणनखंड है और बी का भी दो गुणनखंड है, ए व बी का दोनों का दो एक गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अंडर रूट टू एक अपरमेय संख्या है। चलिए मेरे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगले वीडियो पर बढ़ते हैं, मतलब अगले सवाल पे, प्रश्न नंबर तीन को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर तीन है, मतलब चार का गा, के का मान ज्ञात कीजिए कि ये तीनों संरेखी हों। संरेखी का मतलब क्या होता है ये समझो, संरेखी मीन्स होता है कोई रेखा, कोई भी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको संरेखी बोलते हैं। मान लेते हैं बिंदु ये यहाँ है, बिंदु बी यहाँ है, बिंदु सी यहाँ है, ए के निर्देशांक 2,3 है, बी के निर्देशांक, वैसे तो इसको कार्तीय तल में दर्शाएंगे तो दूसरी तरह दर्शाया जाएगा, लेकिन अब हम समरेखी हल करना है तो कार्तीय तल से कोई मतलब नहीं है, हल दर्शा सकते हैं वहां ये 6,-3 है, ठीक। और अगर कोई तीन बिंदु संरेखी है, क्योंकि तीन बिंदुओं के निर्देशांक से क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है, और अगर संरेखी है तीन बिंदु तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि संरेखी होने का प्रतिबंध क्या होगा, कि इन तीनों बिंदुओं के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल शून्य होगा, तो तीनों बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध, इनका क्षेत्रफल जो है वो शून्य होगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला है, एरिया त्रिभुज एबीसी इक्वल टू 1/2 x1y2-y3 प्लस x2y3-y1 प्लस x3y1-y2। अब ये x1 x2
x3 y1 y2 y3 का मान कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से लेते हैं। इसमें पहला बिंदु x1 y1 x1 y1 पहला बिंदु मानते हैं, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3 मानते हैं। अब यहाँ से हम मान रख देंगे 1/2, x1 का मान हमारे पास 2 है, y2 का मान हमारे पास जो है k है, और y3 का मान -3 है, तो माइनस यहाँ भी है +3। फिर x2 का मान जो है वो हमारे पास 4 है, और y3 का मान -3, और जो y1 है वो भी 3 है, तो -3 प्लस x3 का मान जो है वो 6 है, और जो हमारा y1 है वो 3 है, y2 जो है वो k है, और इनके द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल, मतलब इनका क्षेत्रफल शून्य होगा, ये नियम है, बराबर 0। अब ये दो इधर भागे, इधर गुणा होगा, 0 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 2k, यहाँ बराबर नहीं लगेगा, इज इम्प्लाइज्ड 2k प्लस 2/3 6 हो जाएगा, प्लस ये 3 6 हो जाएगा, और माइनस 6 जब होगा तो -6 का 4 से गुणा करेंगे तो -24, फिर ये प्लस 6 18 हो जाएगा, -6 के इक्वल टू 0। सजातीय पदों को जोड़ेंगे तो जो हमारा k है उसको एक साथ जोड़ लेंगे तो ये 6 में से 4 2k घट जाएगा, क्योंकि -1 प्लस ये ज़्यादा है, माइनस लगेगा -4k, और ये 18 6 24, 24 में से 24 घटेगा 0 से, तो ये 4k -4k इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, अब 0 है तो -0/4 करेंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं, 0 को 6 से भाग करो, k बराबर जो है वो 0 प्राप्त होगा। अगर k बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु आपस में संरेखीय हो जाएंगे। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। अंतिम प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए समझे, बेलन, बेलन जैसे कोई बेलनाकार, जैसे ये पेन मेरी है, ये बेलनाकार है बेटा, और ये पेन, ये पाइप होते हैं, नल की पाइप होती है, ये सारी चीजें क्या होती है, बेलनाकार होती है। जैसे ये डिब्बे जो है, ये डिब्बा भी बेलनाकार है, ये वह बेलनाकार है, ये जैसे हम यू ले सकते हैं स्याही की डिब्बी, ये भी बेलनाकार है, तो ऐसी आकृति को हम बेलनाकार बोलते हैं। तो एक बेलनाकार आकृति है, यू ऐसे बनती है, ये बेलनाकार आकृति है, इसकी त्रिज्या आधार की जो ये होती है इसको त्रिज्या कहते हैं, इसका केंद्र होता है जो समतल सिरा होता है इसको आर से, और इसकी ऊंचाई एच। अब सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना, तो बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 से गुणा कर देंगे, बेलन के आयतन का दुगना, दुगना करेंगे तो 2 कर देंगे, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और फिर दोबारा क्या कह रहा है, उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ तथा आधार की त्रिज्या का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh, और त्रिज्या कर देंगे तो आर, तो ये हो जाएगा 2πr² h। अब इसमें कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि क्या है, बराबर है, तो हम लोग देखते हैं कि बेलन के आयतन का दुगना ये हो गया, और बेलन का वक्रपृष्ठ तथा आधार की त्रिज्या का गुणनफल ये हो गया।
मेरी साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना तथा अन्य ग्रुपों में भी भेज देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके मित्रों तक भी पहुंच सके। और घंटी जो है, जो घंटी है उसको जरूर बजाना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।